김치와 매달한 जारिमसिंह मैं डॉक्टर आशा के पास डेली फोन करता था कि कोबरा ठीक ना हो, लेकिन शायद उस डॉक्टर ने मेरी बात नहीं मानी। सुनने में आया है कि कोबरा की याददाश्त में सुधार आ चुका है। हाँ, कोबरा की याददाश्त में सुधार आ जाएगा, इलाके में भयंकर जुर्म पैदा, यही मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। सत्यता जानने के लिए आओ हम सब अस्पताल चलते। मैं अस्पताल जाने से असमर्थ हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा एक बैंक लूटने का प्लान बन चुका है। तो मेवाराम पांडे चले जाएं और इस बात की पता लगा कराएं। सही कह रहे हैं भैया। ना, हम वहाँ नहीं जाएंगे विधायक। आखिर क्यों? क्योंकि नहीं जाओगे? हम ही ने उसके सर पे पत्थर मारा है। अगर वो मुझे पहचान गया तो जिंदा वापस नहीं आने। जालिम सिंह, इन्हें समझाइए, समझाइए। पांडे जी, वो मंडल कारागार है, वहाँ पर शासन प्रशासन रहता है, कोई व्यक्ति किसी को ऊपर कड़ी निगाह नहीं उठा सकता। तुम जाओ मुलाकात करो, दो चार बात करो, उसके बाद में वापस आओ। ठीक है, जब समय कहा था विधायक जी, जाए तो है मुला हमारे पीछे लाग रहे। और तुम जाओ अपनी डकैती का अंजाम दो। मेरे भाइयों, वो दिन मुझे याद है, मेरा एक पैर नीचे कर दिया था एक ऊपर। मैं मानता हूँ जेल के अंदर शासन प्रशासन रहता है, मैं वहां पर जाऊंगा, मुझे देखेगा, पहचान जाएगा, तो पुलिस के पहुंचने से पहले मुझे पटक पटक कर मार डालेगा। मैं क्यों जाऊं उस मौत के घाट पर? जाए तो पांडे मेवाराम जाए। हेलो, यज्ञ धर्मराज बलदीराय, माँ बेटे के कानवर को खुशो के बीच व्रत रहे। धन्यवाद। और संयम मोरे रेलिया कई डराइबर, राजा मोरे रेलिया कई डराइबर, हम जोगिनिया भई दुल्हा मोरे रेलिया कई डराइबर, बतर मोरे रेलिया के डराइबर, हम जोगिनिया। अपनी माँ से मिलकर गया, अभी तक आया नहीं। डॉक्टर साहबा, विजय, मैं आ गया। अपनी माँ से मिले? हाँ, माँ से मुलाकात हुई, भाई का दीदार हुआ, आज मैं बहुत खुश हुआ। विजय, चलो हमारे साथ भोजन करो। नहीं डॉक्टर साहबा, आज माँ के हाथों से भोजन किया, यकीन मानिए अभी भी ठिकार आ रहा है। और हाँ, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो आप फरमाए, बंदा करने के लिए तैयार है। कोई काम नहीं है, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रही हूँ और तुम यहीं पर रहना। लेकिन हाँ, एक बात याद रहे। क्या? अगर कोई आता है यहाँ पर तो उसके सामने तुम पागल ही बने रहना। क्या? हाँ विजय, पागल। ठीक डॉक्टर साहबा, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है विजय, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी। बाय। डॉक्टर साहबा कह रही हैं कोई आए तो पागल रहना। हाँ, पागल रहना। वाह भाई वाह, लोग क्या हवा उड़ा देते हैं। अरे शीशे में देखो तो धब्बा दिखाई देता है, और ये ससुराल तो चप्पल में मुंह देख रहा है। हाय पागल का पागल। ठीक है, चलता हूँ विधायक जी से बताऊंगा। अरे पांडे जी, हाँ भैया। अरे यार दी बात तो कर, हमारे यही से लौट पड़ी। अरे दूर आए हैं, दुई बात तो कर ले।
नहीं कहा बताऊ कहो 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 बेटा तबीयत कैसी है? बिल्कुल तुम्हारे हमारे जैसी। मैं पागल हूं, चुप्पे से यहां से निकल लो, ये ठीक हो गया मुझे लगता है। हराम यदि मेवराम तू ही वो शख्स है जो मेरे सर पे पत्थर मारा था। काश मैं तुझे यहां कुछ कहता, पुलिस आ जाती, मजा नहीं आता। अरे हराम जादे बाउंड्री क्रॉस कर, आगे से मैं तुझे मिलता हूं। अब देखा जान बची तो लाख पायो और लौट के बुद्धू घर का। ससुर ठीक हो गवा, चलता हन विधायक जी से बताओ, नहीं तो हमार पेलाई हो गई। बच्चा तू रही है खड़ा रहता। अरे मेवा राम काका। हाँ बच्चा पाऊ लागू, जब तक तुहार मन का है जब तक जी बच्चा। अरे पढ़ाई काकी का हाल चल बाहू? पढ़ाई काकी ठीक है, केहू आवे वाला बा भैया। अच्छा ये काका है तनी एक बीड़ी पिया बाजार। अरे बच्चा हम ब्राह्मण आदमी कहाँ बीड़ी उड़ी पीते। नहीं पीते हो? नहीं बीड़ी। काका मैंने आपको देखा था कहाँ? जहाँ पर लिखा रहता है ठहरो मधुशाला। चुपा रहा बच्चा चुपा रहा, कब्बो कब्बो संध्या के पहुंची थे, थोड़ी लगाई थे। अच्छा हाँ तो बस सवाल एक बीड़ी का है। अरे लियो पाए हैं नहीं नौटंकी, हम तो कहा हम पियाएं दी, अब कहे तो हाँ बात काटी, हले लियो जल्दी पी लियो, कहे हमें मौका सही का नहीं ना। अरे क्या बात है बोलो। लियो लियो पी लियो बच्चा। हां माचिस 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 दे। लियो 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 बच्चा, सही का मौका नहीं हमका, लगाओ हाली बीड़ी लगाओ। हां माचिस हम का सवाल 1 रुपए का है। हां माचिस लेते जाना। हां हां बच्चा हां आ लाओ जल्दी लाओ। लगा लियो बच्चा, हमारा माचिस हमका दियो, हम चलिए अपने। ओ बच्चा जाते माचिस दे दो, हमका तिल दिया था। एको बरात कपड़ा पिना मुझे था बीच सड़क पर फेंकवाया, मेरी माता मेरे भाई को नमस्कार भैया, हम अपने घर को जाता जाई ना। बच्चा नाम तो तुम्हारा मेवा राम है। हाँ हमारा नाम मेवा राम है, लेकिन ये बोलो कभी आपने मेवा खाया नहीं? मेवा? हाँ यही गरी छुहारा मुनक्का दमाद यही। बादाम का? अच्छा या तो सब बहुत ताकतदार चीज होता बच्चा। खाए हो या नहीं? बहुत दिन हो गया, एक दिन खवाए रहे। आज मैं आपको खिलाऊंगा। लावा का? अच्छा कितना खा सकते हो? अरे आप दो चार किलो खा सके का कहूँ। अच्छा? हाँ नहीं हगा लेकिन ये खाता। एक बात है। वो कौन बात आई? ब्राह्मण लोग जब भोजन करने बैठते है ना तो अपना वस्त्र उतार देते हैं। ओ बच्चा मेवा खाना है ना? ये बात और जान लियो, हम जात के पाड़े ना हुई, हम नाव के पाड़े हुई बच्चा। हम कपड़ा जूता उता पहन के खा लही थे, लेकिन ये क्या मजे नहीं आएगा यार। अर्जेगा? अच्छा तू कहा था लियो अर्जे वाला, जितना सामान है निकाल दी गए बच्चा। और अभी देखना काका मेवा दना दन। अच्छा
ये क्या हो रहा है? मेवाराम, यहाँ तुम क्या करने आए थे भाई? क्या हुआ? नहीं, ठीक होएगा, ठीक होएगा, सत्य में ठीक हो गए डॉक्टर साहब। ये नेता जी, ये पागल कोबरा पागल ही है, ये ठीक हो चुका है नेता जी। मैं जा रहा हूँ, ऊपर से आदेश लाऊंगा, इस खतरनाक डाकू की फांसी बहुत जल्द करवाऊंगा। नेता जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कोबरा ठीक हो गया है? डॉक्टर मैं हूँ, मैं इलाज कर रही हूँ। देखिए कोबरा पागल है, किस तरह से नाच रहा है और गा रहा है। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएगी जनता ये शान, हमको तुमसे देख रहा हूँ। क्या कहना चाहते हो बोलो? मैं तुम्हें कहा था उठा ले जाऊंगा, और हर कहा था डोली में यार, कहा था प्यार। मेवाराम पांडे, तुम्हारा कहना गलत है, ये पागल का पागल है, अभी ठीक नहीं हुआ है। बिल्कुल तुम पागल हो चुके हो। मैं क्या देख रहा हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर अजय के रहते हुए नाच गा रहा है, नाच गा रहा है, और तुम्हारे ऊपर हंटरों की बरसात कर रहा। मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये ठीक है? पागल का पागल है, अभी ठीक नहीं हुआ है। साइड में पुलिस इंस्पेक्टर अजय, मैंने सुना है कि तुम भी डाकू कोबरा के पीछे बहुत ज्यादा परेशान हो, यह तुम्हारी सलाह बने, इस खतरनाक डाकू की फांसी करा दी जाए। नेताजी, नेतागिरी करते करते सर के बाल सफेद होने वाले हैं। आपने कभी सुना है या किसी संविधान में पढ़ा है किसी पागल की फांसी होती है? अभी इसका जुर्म इतना प्रभावित नहीं हुआ कि इसकी फांसी हो। आप लोग जाइए, चलिए यहां से। डॉक्टर साहिबा, इंस्पेक्टर साहब, इस पागल कोबरा को संभाल कर रखिएगा, नहीं तो किसी की जान ले लेगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छी बात है सर। ओके। इसका मतलब याददाश्त में कुछ सुधार आ रहा है। जी सर। ठीक है, तूने आज तो मेवा राम का कमाल का मेवा खिलाया। अरे आप लोग थोड़ा जल्दी आगे, नहीं तो आज साल को ढेर सारा मेवा मैं खिलाता। क्यों नहीं विजय? विजय, मैं जानती हूँ तुम काफी बहादुर हो, तुम सेवा राम और मेवा राम से अपने पिताजी का बदला बहुत जल्द लो लेगे। डॉक्टर साहबा, इंतकाम की आग सीने के अंदर जल रही है, और ये आग उसी दिन मिटेगी जिस दिन सेवा राम और मेवा राम को मिटा दूंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं विजय, तुम बहुत ही बहादुर हो, आओ हमारे साथ। चलो। हेलो, ये आगे कौन बल दे रहा है 50 रुपए बाबा के नाम? हेलो, धन्यवाद। और रतिया कर बलम जी से बतिया, रतिया कर बलम जी से बतिया, ले बई करिया सारी। सारी जिंदगी इस जेल में बीत जाएगी, और मैं
अपने आप को कोबरा से विजय नहीं साबित कर पाऊंगा और ना ही मैं अपने पिताजी का बदला इस सेवाराम में आराम से चुका पाऊंगा। नहीं, ये 16 फीट दीवार मेरे लिए कुछ नहीं है, इसे फांग जाऊंगा, खाक जाऊंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा सेवाराम मेवाराम। माई रे माई मुंडर तेरे तो बोल रहा है काका, जोगन हो गई तेरी दुलार, मन जोगी संग लागे, ओ हो हो हो।